देश भर में जहां कोरोना की रफ्तार मंद पड़ती दिख रही है और राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में यहां रोज आने वाले केस सैकड़ों में सिमट चुके हैं, तो वहीं केरल में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। महामारी के शुरुआत से ही दक्षिण भारत का यह राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और अब भी यहां देश भर के नए मामलों के 50% से ज्यादा केस हैं। लगातार दो दिनों से केरल में 22,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं, जिससे एक बार फिर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसके चलते भारत में पिछले एक दिन के अंदर फिर से कोरोना के नए मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 43,509 नए मामले आए हैं, जो कि पिछले दिन की तुलना में थोड़े ही कम हैं। कुल नए मामलों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले केरल की है, जहां संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस राज्य में वैक्सीनेशन भी तेजी से हुआ था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में चिंता की बात यह है कि पिछले कई दिनों से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इसके नए केस से कम है। पिछले एक दिन में कोरोना से 38,465 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं एक्टिव केस एक बार फिर से 4,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। केरल में लगातार 4 हफ्तों से कोरोना संक्रमण का ग्राफ ऊपर जा रहा है और लगातार 2 दिनों से कोरोना के नए मामले 22,000 के पार आ रहे हैं। यहां संक्रमण दर 11% से ज्यादा पहुंच गई है। केरल स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को राज्य में संक्रमण के 22,056 नए मामले सामने आए, जिससे मामलों की कुल संख्या बढ़कर 33,27,301 हो गई, जबकि 131 और लोगों की मौत होने के साथ वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,457 हो गई। एक्टिव केसों में भी केरल का सबसे बड़ा योगदान है। देश भर में बुधवार को कोरोना के इलाजरत मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से 4,00,000 के पार पहुंच गया है। फिलहाल देश में कोरोना के 4,03,840 एक्टिव केस हैं। इसमें से अकेले केरल में फिलहाल कोरोना के 1,49,534 मरीज हैं। जून के आखिरी हफ्ते में केरल में औसत नए मामले घटकर 11,000 तक पहुंचे थे। हालांकि इसके बाद से ही यहां नए मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई। राज्य में सबसे अधिक प्रभावित जिलों में मल्लपुरम, त्रिशूर, कोझिकोड, एर्नाकुलम, पलक्कड़, कोल्लम, अलापुझा, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम शामिल हैं। मोदी सरकार ने ऑर्डर की 100 करोड़ वैक्सीन। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान को शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस बीच सरकार ने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने यह जानकारी दी है। अभी 2 हफ्ते पहले सरकार के कोविशील्ड और कोवैक्सीन समेत 66 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। वहीं देश में कम से कम 34.4 करोड़ लोगों को कोरोना की पहली खुराक मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई तक कोरोना की 100 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया था। सरकार ने विदेशी निर्माताओं से कोविड के टीकों की खरीद से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए एक टीम का गठन किया था। यह टीम विदेशी निर्माताओं के साथ लगातार बातचीत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और टीकों के बारे में जागरूकता फैलाने व टीका लगवाने में लोगों की झिझक दूर करने के लिए सरकार के साथ काम करने की उनसे अपील की। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह का हिस्सा बनने के लिए भी कहा।